हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 29 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इशू पीसफुली से MEA, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि चाइना के साथ हम लोग LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम लोग शांति से, है ना, पीसफुली हम लोग मैटर को सोल्व कर लेंगे। कंट्रीज इंगेज है डिप्लोमेटिक, कंट्री जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल से इंगेज कर रही है, ट्रंप के ऑफर का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, उसके पहले कल चाइना की तरफ से भी यही न्यूज़ आया था कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ज़्यादा खुश ना हो, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किया जा रहा है BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो भी रोड बनाए जा रहे हैं बॉर्डर के आसपास वो भी बनते रहेगा, है ना। तो मेन चाइना का प्रॉब्लम यही है कि इंडिया जो है बॉर्डर के किनारे बहुत ज़्यादा रोड बना रहा है। तो पहले क्या होता था कि बॉर्डर के आसपास चाइना का रोड अच्छा रहता था और इंडिया का रोड ख़राब रहता था, इसलिए इंडियन आर्मी को पहुंचने में देरी होता था। अब जो इधर पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर के पास, इससे चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है कि अब इन लोग भी हमारे लेवल में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इंडिया का मनोबल तोड़ने के लिए समय समय पर वो इस तरह से हरकत करते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेड कंजम्पशन ऑफ लिकर नॉट अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट टेल हाईकोर्ट। तो गवर्नमेंट जो हाईकोर्ट में बोले हैं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा हाईकोर्ट में बोला गया कि ट्रेड और कंजम्पशन ऑफ लीकर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट थर्ड में मेंशन है, आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है, आर्टिकल 12 से 35 तक इसको मेंशन किया गया है, और ये हमारे संविधान में USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट है उसी को हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के नाम से बोला गया है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है, लेकिन हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे। 7वां फंडामेंटल राइट जो था संपत्ति का अधिकार, 44th अमेंडमेंट एक्ट 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हमसे वापस ले लिया गया। ठीक है, अब जो है संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है और आर्टिकल 300A के अंदर आता है, 300A के अंदर आता है। और राइट टू ट्रेड हालांकि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट को समय समय पर सस्पेंड भी किया जा सकता है जब देश में स्थिति ठीक ठाक नहीं हो। तो फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर के सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेड का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर आता है। ठीक है, राइट टू ट्रेड आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है, आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर आता है राइट टू ट्रेड। इसके तहत क्या गया है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो हालांकि राइट टू ट्रेड जो है फंडामेंटल राइट है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है, हालांकि मतलब कहने का मतलब कि अभी वो सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंडियन वैक्सीन ट्रायल लाइकली इन अक्टूबर। तो इंडिया की तरफ से वैक्सीन बनाया जा रहा है, उसका ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल जो है अक्टूबर के आसपास चालू होने वाला है, ऐसा कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन बींग डेवलप्ड इन इंडिया बींग टेस्टेड इन पीपल इन अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में ये चालू हो जाएगा, यह किसका कहना है, तो जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, है ना, प्राइम मिनिस्टर को जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं KVJ Raghavan, उनके द्वारा ऐसा कहना है। तो ये भी याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर का साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, KVJ Raghavan, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इसके पहले जितने भी क्लिनिकल ट्रायल है, जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल इसको बोला जाता है, क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं जब ह्यूमन ट्रायल होता है। ठीक है, अ ग्रुप इज वर्किंग ऑन अ वैक्सीन और फ्लू बैकबोन, प्री क्लिनिकल स्टडीज आर लाइकली टू बी कंप्लीट बाय अक्टूबर। तो अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल ट्रायल तीन बार जो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, तीन स्टेज में, तीनों स्टेज अक्टूबर तक हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर के बाद ह्यूमन स्टेज चालू होगा। यदि वो सक्सेस होता है तो फिर वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। इसके अलावा अभी यहाँ पे बताया गया कि हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मतलब कि इंटरनेशनल कोलेब्रेशन किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंडियन कंपनी हैं, जैसे एक और यहाँ पर बताया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीरम इंस्टीट्यूट, इंडिया का है सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे मिलजुल करके यहाँ पे एक वैक्सीन बनाया है जो कि मंकी पे फेल कर गया, लेकिन कुछ आदमी पे सक्सेस किया है। पहले उसको मंकी पे चेक किया गया तो वो फेल हो गया, है ना, फेल टू चेक वायरस स्प्रेड इन मंकी, लेकिन कुछ आदमी के साथ उसका मतलब कि उसका सही रिपोर्ट आया है उस वैक्सीन का जो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो इसके बारे में उनका कहना था जो हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर का, कि इसको उसी तरह से कहा जा सकता है कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, मतलब ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है ना। यदि ग्लास में आधा पानी है तो उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। वही यहाँ पे बोला गया उस वैक्सीन के बारे में, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इतना याद नहीं रखना कि कौन क्या बोला है, हमको ये देखना है कि कौन कौन अभी वैक्सीन बना रहा है ना, ताकि भविष्य में यदि कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको जवाब दे सकें। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये याद रखिए, KVJ Raghavan हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, और जो इंडिया की तरफ से वैक्सीन बनने वाला अक्टूबर तक ह्यूमन ट्रायल चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, NIS शिफ्टेड 9 लाख हेस्ट से, इन हेस्ट से हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अभी एक 9 लाख नाम के आदमी थे, मतलब कि उनको जो मुंबई ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, गौतम 9 लाख,
उनको मुंबई भेजा गया है। तो हाईकोर्ट का कहना है, दिल्ली हाईकोर्ट का, कि काफ़ी जल्दीबाजी में एनआईए यहाँ पे काम किया है, मतलब कि इतना जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, ये हड़बड़ में काम किया गया है। एनआईए के बारे में ऐसा कहा गया, तो हम लोग एनआईए के बारे में पढ़ लेते हैं। एनआईए क्या है? तो एनआईए का स्थापना जो है 2008 का जो बम हमला हुआ था वहाँ पे मुंबई में, उसके बाद किया गया था, ठीक है। उसके बाद ऐसा सोचा गया कि इंडिया में भी एक टेरर से लड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए, तब जाके एनआईए का स्थापना किया गया। 2009 में स्थापना किया गया, इसके लिए एक्ट आया था एनआईए एक्ट 2008, उसके तहत इसका स्थापना किया गया, ठीक है। एनआईए को 2009 में स्थापना किया था, एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसका काम क्या है, तो टू कॉम्बैट टेरर या टेरर रिलेटेड क्राइम को देखना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका डायरेक्टर जनरल अभी जो है वाईसी मोदी हैं, और चेयरमैन कौन होंगे जब होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर होंगे वही इसके चेयरमैन होंगे। हाल ही में इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, अमेंडमेंट करके इसको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। अब इसके तहत क्या किया जा सकता है, तो एनआईए किसी आदमी को आतंकवादी घोषित कर सकती है। पहले क्या होता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी घोषित किया जाता, ठीक है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी घोषित करते तो आदमी क्या करता था, जो आतंकवाद होता तो क्या करता था, उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके दूसरे नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाने लगता था, है ना। मान लीजिए कि पहले उसके संगठन का नाम ए है, अब ए को एमएचए के द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया, तब क्या करेगा, उसको बंद करके बी नाम से संगठन, मतलब कि दूसरा नाम रख लेगा, उसको क्या है, है ना। तो इसलिए आदमी को ही आतंकवादी घोषित किया जाता है एनआईए के द्वारा। ये हाल ही में अमेंडमेंट आया, उसके बाद ऐसा किया जा रहा है। सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी में यदि कोई सर्कुलेट करता है तो एनआईए के पास वो केस जाएगा। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म, यदि कोई मतलब कि ऐसा बंदूक या फिर ऐसा कोई आर्म रखता है जिसका रखना अलाउड नहीं है, या फिर उस तरह का मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, या साइबर टेररिज्म, सारा केस सब एनआईए देखता है। तो ये सब अमेंडमेंट के बाद हुआ, अमेंडमेंट के पहले इतना ज़्यादा पावर नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे कि साइटिंग स्वाइन फीवर चाइना बैन पोर्क इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, था चाइना के द्वारा इंडिया से जो पोर्क खरीदा जाता था, पोर्क यानी कि पीग मीट खरीदा जाता था, इंडिया बेचता था चाइना को, ठीक है। तो चाइना अभी उसको बंद कर दिया है और कहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इंडिया में जो है पीग में एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम का एक बीमारी भी फैला हुआ है। कुछ दिन पहले असम में से कई सुअर का मौत हो गया था, तो उसके हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में देख लेते हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है पिग्स में होता है, इसमें आदमी से कोई परवाह नहीं पड़ता है, ठीक है। हालांकि आदमी इसको कैरी कर सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कोई पिग है जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ठीक है, तो इसका जो वायरस है आदमी के हाथ में आ गया, या आदमी में किसी तरीके से वायरस आ गया उसके बॉडी पे, और यह आदमी जब दूसरे सुअर को टच करेगा तो ये वायरस उसके ऊपर चला जाएगा, तो आदमी ट्रांसफ़र कर सकता है या कैरियर हो सकता है, लेकिन आदमी को इस वायरस से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर था, सिर्फ पिग्स को मतलब कि इससे प्रॉब्लम होता है। एक तरह का डीएनए वायरस है, वायरस दो तरह का होता है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। जो कोरोना वायरस है आरएनए वायरस है, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस है, इसका आदमी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, और ये स्वाइन फीवर से डिफरेंट है, ठीक है। जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू जो होता है उससे डिफरेंट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। देखा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, हाल ही में उधर असम और मणिपुर के इलाके में बहुत सारे सुअर का इसे डेथ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, एनएचआरसी इशू नोटिस टू गवर्नमेंट ऑफ माइग्रेटरी। तो एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है, जो भी इतना माइग्रेंट्स का डेथ हो रहा है डिफरेंट रीजन से, जब लोग यहाँ से वो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसमें तो इसके बारे में गवर्नमेंट से पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आपने क्यों ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया। तो हम लोग एनएचआरसी के बारे में देख रहे थे, एनएचआरसी एक तरह का स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून के तहत बनाया गया है, संविधान में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था, इसलिए 12 अक्टूबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके लिए एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, इसके चेयरमैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करेंगे, उसके लिए बॉडी है, उसके लिए कमेटी है, उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, पीएम उसके चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, उसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा कौन कौन, तो पीएम हो गए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ये याद रखिएगा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर 6 आदमी मिल करके एक नाम को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के पास कि इस आदमी को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया जाए, तो उस आदमी को प्रेसिडेंट के द्वारा एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में एनएचआरसी में कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया था, तो अमेंडमेंट क्या क्या था हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहले जो है एनएचआरसी के लिए चेयरमैन बनने के लिए एक ही प्रोविजन था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या था कि पहले सिर्फ चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन अब जो कह दिया है कि किसी भी तरह के जस्टिस होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो भी जस्टिस हैं वो भी जो है इस तरीके का मतलब कि एनएचआरसी के चेयरमैन बन सकते हैं। पहले प्रोविजन था कि सिर्फ रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, लेकिन अब प्रोविजन क्या है कि रिटायर जस्टिस भी हो सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस होना जरूरी नहीं है।
पहले इसमें दो जज और होते थे, तो मतलब कि चेयरमैन के अलावा दो और जज होते थे, ठीक है, अब तीन जज होते हैं, ठीक है। पहले मतलब अमेंडमेंट के पहले, अमेंडमेंट के बाद तीन जज होते हैं, जिसमें दो जज तो पहले वाले रहेंगे ही, उसी तरह से प्रोविजन रहेगा। एक वीमेन जज को यहाँ पे ऐड किया गया, मतलब तीन मेंबर में एक वीमेन मेंबर होना जरूरी है। उसके अलावा पहले क्या रूल था कि 5 साल उनका टेन्यूर होता था या 70 साल का एज तक, 5 साल और 70 साल, अब जो है 3 और 70 कर दिया गया, यानी कि उनका टेन्यूर 3 साल का होगा और मैक्सिमम 70 साल के एज तक वो रह सकते हैं। पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था, मतलब दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता था, अब रीअपॉइंटमेंट होता है, मतलब दोबारा अपॉइंट किया जा सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले और क्या था, तो जो SSC कमीशन है, ST कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन है और वीमेन कमीशन है ना, ये चारों कमीशन के जो अध्यक्ष होते थे NHRC के मेंबर बन जाते थे, NHRC के मेंबर बन जाते थे, चार कमीशन के चेयरमैन, माइनॉरिटीज कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन और वीमेन कमीशन। अब इसमें तीन कमीशन को ऐड कर दिया गया है, तो एक बैकवर्ड कमीशन जो पिछले साल सेटअप किया गया, कंस्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो चाइल्ड राइट के कमीशन के हेड है, और PWD यानी कि पर्सनल विद डिजेबिलिटीज, ठीक है, ये तीन कमीशन के चेयरमैन को अब और ऐड कर दिया, मतलब अब इसमें 7 मेंबर हो गए, पहले 4 मेंबर थे। चार मेंबर कौन थे? माइनॉरिटीज, SC ST और वीमेन। अब कौन कौन ऐड हो गए? तो NCBC यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये था NHRC के बारे में, याद रखिएगा एक तरह का स्टेचुटरी बॉडी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर रेल स्टेशन इंसिडेंट शॉकिंग हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का कहना है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जो इंसिडेंट हुआ है शॉकिंग है। तो क्या हुआ इंसिडेंट पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा का वीडियो वायरल हुआ था पूरे, मतलब कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें एक बच्चा जो है अपने उसकी माँ की डेड बॉडी यहाँ पे रखी और उसके उसके ऊपर जो चादर डाला हुआ था डेड बॉडी पे, उससे बच्चा खेल रहा, मतलब बच्चा को अभी पता नहीं है, देख सकते हैं फोटो में भी कितना बच्चा कितना छोटा है, उसको पता नहीं कि उसकी माँ का डेथ हो चुका है, ठीक है। और वीडियो मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का था। तो हाईकोर्ट यहाँ पर सो मोटो कन्वेंशन लिया, तो सो मोटो कन्वेंशन मतलब अपने आप बिना किसी के किए हुए, ठीक है, मतलब कि जैसे नॉर्मली केस क्या होता है कि कोई आदमी कंप्लेन करता है कोर्ट में जा करके, उसके बाद कोर्ट उस पर डिसीजन लेता है, उसका सुनवाई करता है, लेकिन कोर्ट को सो मोटो कन्वेंशन लेने का भी पावर है, मतलब कि यदि उसको खुद लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो खुद वहाँ पे वो मतलब कि सेल्फ वहाँ पे डिसीजन ले सकती है, उसको स्वतः संज्ञान बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं सो मोटो। यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 226 रिट जारी करने का पावर देता है हाईकोर्ट को, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। तो रिट जारी किया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, तो फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए और लीगल राइट को लागू करवाने के लिए, दोनों तरह के राइट को लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट को रिट जारी करने का पावर है आर्टिकल 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के पावर के लिए रिट जारी कर सकता है। यानी क्या पता चला इसे कि हाईकोर्ट का रिट जारी करने का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो आर्टिकल 226 में रिट जारी करने का पावर दिया गया। यहाँ पे एक तीसरा वर्ड यहाँ पे टर्म मेंशन है, एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी क्या होता है? तो एमिकस क्यूरी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट का दोस्त, ठीक है। तो एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है कि जो केस में पार्टी नहीं है, केस में पार्टी नहीं करने का मतलब क्या हो, केस में दो पार्टी होते हैं, एक जो होता है जो कंप्लेन करता है, एक दूसरा जिस पे कंप्लेन होता है। तो जैसे इसी केस में देख लिया जाए तो कौन होगा पार्टी, एक तरफ तो हो जाएगा मतलब जिसके ये परिजन जो इस मतलब जिसके डेथ किए हैं वो परिजन हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि उनका नाम ए है, तो ए वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बिहार या फिर यूनियन ऑफ इंडिया, रेलवे के परिसर में होता आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत सरकार पे इस पे केस होगा या फिर बिहार सरकार पे होगा एक तरफ, और दूसरे तरफ इसके परिजन होंगे, ठीक है। तो इस तरह केस का नाम होगा, तो इसमें तो दो ही पार्टी है। लेकिन एमिकस क्यूरी क्या करता है, वो तीसरा पार्टी बनता है, वो केस में पार्टी नहीं होता है, इनडायरेक्टली वो पार्टी बन जाता है, केस में पार्टी नहीं होता है, वो कोर्ट को मदद करता है, ठीक है। कोर्ट को मदद कैसे करेगा, तो जैसे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हुआ है ये सब, ठीक है, तो हाईकोर्ट को वहाँ के बारे में सिचुएशन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो एमिकस क्यूरी कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन हमारा फ्रेंड होगा, मतलब कि कोर्ट को मदद करता है डिफरेंट वहाँ के सिचुएशन को बताने में, वहाँ का क्या प्रॉब्लम था, क्यों डेथ हुआ वहाँ का, ठीक है, इस तरीके का प्रोविजन होता है। तो एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो एमिकस क्यूरी के बारे में याद रखिएगा, केस में पार्टी नहीं होते लेकिन कोर्ट के द्वारा एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया जाता है, ये कोर्ट के फ्रेंड होते हैं, कोर्ट को मदद करते हैं, ठीक है, कोर्ट के तरफ से बोलते हैं, कोर्ट को मदद करते हैं, डिफरेंट तरह का प्रोविजन बताते हैं, वहाँ का सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा कोर्ट चैलेंज। तो हरियाणा के द्वारा भी एक लॉ पास किया गया है, हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो कोर्ट में या फिर वहाँ का जो भी ऑफिशियल काम होगा सब सिर्फ हिंदी में होगा, ध्यान दीजिएगा ओनली हिंदी का बात किया गया है, इंग्लिश भी नहीं, ठीक है, सोल है ना कि सोल यानी कि ओनली, तो सिर्फ हिंदी में होगा। तो इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश में आजकल आदत हो गई है, CBSE में जो भी पढ़ते हैं CBSE वाले लोगों को, या फिर इंग्लिश आजकल हर जगह का पढ़ाई, जो इंजीनियरिंग है वो मेडिकल हो लॉ हो, हर चीज़ की पढ़ाई इंग्लिश में होता है, तो जो हिंदी बोलने वाले लोग भी होते हैं उनको भी आदत इंग्लिश का हो जाता है।
तो इस कारण से काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा, तो उसके लिए कोर्ट में चैलेंज किया गया इस बात को कि सिर्फ हिंदी को नहीं रखा जाए, हिंदी के जगह पर इंग्लिश को भी, मतलब कि दूसरे लैंग्वेज को भी ऐड किया जाए, ठीक है, ओनली हिंदी नहीं रखा जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन कहाँ पे है हमारे संविधान में। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, आर्टिकल 343 में इस बात का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 343 में बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और 15 साल बाद जो है इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। लेकिन 15 साल कब से, 1950 से 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को, उस दिन से 15 साल तक ये लागू रहेगा। ठीक है, इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा, 15 साल के बाद इंग्लिश को हटा देना। लेकिन 1963 में एक प्रोविजन लाया कि इंग्लिश को भी कंटिन्यू करना है, हिंदी को भी कंटिन्यू करना है, आर्टिकल 343 में ऐसा कहा गया है। उसके अलावा आर्टिकल 345 में बोला गया कि राज्य, यानी वो तो यूनियन के लिए था ना, स्टेट को बताया गया कि स्टेट अपने हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, उनका अपना लैंग्वेज भी हो सकता है, तो इसी का पावर यूज करते हुए हरियाणा के द्वारा भी अपना लैंग्वेज चूज किया गया है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 351 में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट का ड्यूटी होगा कि हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी को जन जन तक पहुँचाए, जिस भाषा जिस एरिया में हिंदी नहीं बोला जाता है वहाँ भी हिंदी को पहुँचाए, गवर्नमेंट का ड्यूटी होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 351 में। तो यहाँ पे तीन आर्टिकल हम यहाँ पे चर्चा किए, 343, 345 और 51। ठीक है, 343, 345 और 351। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कि US पासेज यूगहुर राइट्स बिल। तो यूगहुर एक मुस्लिम का प्रजाति है ना, मतलब कि मुस्लिम के एक टाइप है, बोल सकते हैं ऐसे, यूगहुर मुस्लिम कैटेगरी के आते हैं और ये चाइना में रहते हैं। चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ उधर का जो रीजन है, लद्दाख से सटा हुआ तिब्बत का जो रीजन है चाइना का, ठीक है, वहाँ पे यूगहुर मुसलमान रहते हैं और इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है चाइना में। तो इसको देखते हुए यूएस के द्वारा एक बिल पास किया गया है कि चाइना इतना अत्याचार न करे, मतलब चाइना यूगहुर मुसलमानों के प्रति ध्यान दे, ठीक है, उनका ज़्यादा रिप्रेशन न करे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कि पारासीटामोल API एक्सपोर्ट टूरिज्म। तो अभी जो है API क्या होता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API का फुल मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो किसी भी दवाई का जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसी को API बोलते हैं। ठीक है, किसी भी मेडिसिन का जो API होता है उसको हम लोग रॉ मटेरियल होता है उसको API बोलते हैं। तो पारासीटामोल का जो API था उसका एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था, मतलब कि इंडिया जो है सारे व्यापारी को बोल दिया गया था कि आप इसका एक्सपोर्ट, मतलब इसको बाहर नहीं बेच सकते, बेचना है तो कंट्री के अंदर बेचिए। तो उसको फिर से चालू कर दिया गया, मतलब कि अब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ में यही था कि एक्सपोर्ट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फ्रॉम कंट्री से टूरिज्म। तो API के बारे में हम जाने कि किसी भी दवाई के जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग API बोलते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट को हम लोग API बोलते हैं। यहाँ बताया गया है कि 40% जो पारासीटामोल का API मैन्युफैक्चर होता था हमारे कंट्री में कंज्यूम होता था, बाकी 60% एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, तो हम लोग देखें यहाँ पे API के बारे में। नेक्स्ट, FDI राइजेज 30% टू 50 बिलियन हाइएस्ट फ्लो इन द सर्विसेज। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं FDI क्या होता है। तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई विदेश से पैसा आता है जब हमारे यहाँ, कोई इंडियन कंट्री है, इंडियन फैक्ट्री है, इंडियन कंपनी है या फिर इंडियन कोई भी ऑफिस है, उसमें विदेशी लोग अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, तो उसको हम लोग FDI बोलते हैं। तो निवेश किस तरीके से हो सकता है, या फिर विदेशी लोग अपना पैसा लगाकर यहाँ अपना फैक्ट्री भी खोल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग FDI बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई सैमसंग है, सैमसंग अपना प्लांट यहाँ पे सेटअप कर रहा है, तो उसको हम लोग FDI में काउंट करेंगे। ठीक है, तो FDI और FPI यहाँ पे दो टर्म आता है, FDI एक होता है, एक होता है FPI। ठीक है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो FDI और FPI में अंतर क्या है, तो पहले हम लोग FPI समझ लेते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत नगद पैसा आता है, कैश के फॉर्म में आता है, ये पैसा काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी मतलब 1-2 रुपया नहीं, 10-15 करोड़, 20 करोड़ इस रेंज में आता है। ठीक है, तो FPI जो होता है ये कम पैसा होता है, इसको हॉट मनी बोला जाता है, याद रखिएगा FPI को हॉट मनी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि FPI को कभी भी वापस लिया जा सकता है। जैसे किसी कंपनी, रिलायंस है, रिलायंस में कोई विदेशी आदमी 2% शेयर खरीद लिया, ठीक है, हालांकि 2% शेयर काफ़ी महंगा होगा इसका, फिर मान लीजिए 2% खरीद लिया। ठीक है, 2% शेयर जब खरीद लिया गया है रिलायंस में, तो रिलायंस का मान लीजिए कि अभी स्थिति ठीक चल रहा है, तो फॉरेन का आदमी जो है उसमें पैसा निवेश किया हुआ है, जैसे ही देखा कि रिलायंस का शेयर यहाँ पे गिरने लगा, तो ये आदमी अपना पैसा वापस ले लेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि FPI को कभी भी वापस लिया जा सकता है, मतलब FPI जो है हमारे कंट्री में कभी भी वापस विदेशी आदमी अपना पैसा लेके जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको घाटा होने लगेगा, देखेगा कि उसको क्या है, मतलब देखेगा बहुत सारा कंपनी है, रिलायंस है, सैमसंग है, नोकिया है, मान लीजिए 3 कंपनी है, अभी वो पैसा रिलायंस में लगाए हुए हैं, देखेगा अरे रिलायंस में तो घटा हो रहा है, इसका शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, तो सैमसंग में इसमें से पैसा निकाल के इसमें जमा कर देगा। ठीक है, यहाँ भी घटा होने लगा तो फिर इसमें कर देगा, फिर यहाँ जब घटा होने लगा तो फिर इसमें चला आएगा, मतलब एक से दूसरे पर वो फ्लक्चुएट करते रहता है, उसको जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पर डाल देता है। तो FPI इसलिए हॉट मनी बोलते हैं कि कभी भी वापस जा सकता है। लेकिन FDI क्या होता है, थोड़ा परमानेंट नेचर का होता है। कैसे,
अब सैमसंग अपना, हम क्या बताएं कि सैमसंग अपना पावर प्लांट मान लीजिए खोलता है, तो सैमसंग दिल्ली में ज़मीन खरीदा, वहाँ पर पावर प्लांट खोला, फैक्ट्री सेटअप किया, मशीन लाया, मजदूर को रिक्रूट किया। अब मान लीजिए सैमसंग का घाटा लगने लगेगा, तो ऐसा नहीं ना कि 10 मिनट के अंदर वो अपना सारा ज़मीन बेच करके मशीन बेच के चला जाएगा। यदि वो जाना भी चाहे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो FDI परमानेंट नेचर का होता है, FPI वोलेटाइल होता है, मतलब वो 10 मिनट के अंदर भी वापस जा सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैश मनी है, ठीक है। और FDI में क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, फैक्ट्री खोल रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, और भी डिफरेंट तरह का काम कर रहा है, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और लॉन्ग टर्म का यहाँ पे पैसा आता है, तो उसको FDI बोलते हैं। तो पहले हमारे देश में मॉरिशस से सबसे ज़्यादा पैसा आता था, मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। लेकिन इधर पिछले दो साल से देखा जा रहा है, जैसे ये 2019-20 का न्यूज है, मतलब 2019 के मार्च से 2020 के मार्च तक FDI जो हमारे कंट्री में कितना आया है, 13% बढ़ गया है, ठीक है। और अप्रैल 18-19 में 44 बिलियन आया था, $44 बिलियन, जो कि अब जाके इतना मतलब कि इंक्रीज किया 13% उसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा अब सिंगापुर से आ रहा है पिछले दो साल से। तो याद रखिएगा, सबसे ये पूछा हुआ कई बार, मतलब कई करंट वाले एग्जाम में पूछा जाता है, करंट अफेयर के सेक्शन में, कि किसके द्वारा जो है, मतलब कौन से कंट्री से हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आ रहा है। पहले मॉरिशस से आता था, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सिंगापुर से है, उसके बाद मॉरिशस से है, उसके बाद नीदरलैंड से है, उसके बाद US से है, उसके बाद कैमिन आइलैंड से है, जापान से है, तो ठीक है, उसके बाद फ्रांस से है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है FDI से, FDI जो है सिंगापुर से आता है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के द्वारा एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जारी होता है। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑड्स ऑफ लोकस्ट अटैक थैंक्स टू विंड डायरेक्शन। तो हम लोग दो तीन दिन से न्यूज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लोकस्ट अटैक होने वाला है, लोकस्ट अटैक होने वाला है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो है राजस्थान में इसका पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि विंड डायरेक्शन, तो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर आंधी आने लगा है, तो राजस्थान से दिल्ली की ओर मूव कर गया है लोकस्ट का जो पूरा स्वार्म था, ठीक है, स्वार्म यानी कि जो ग्रुप था लोकस्ट का, वो दिल्ली की तरफ मुड़ गया है। तो इसलिए जो है वहाँ पे अब लोकस्ट अटैक होने का संभावना थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन संभावना थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हवा कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर फाइल पुलवामा लाइक कार बॉम्बिंग प्लॉट। तो कार बॉम्बिंग जिस तरह से पिछले साल 14 फरवरी 2019 में जो है पुलवामा में हुआ था, उसी तरीके का कल एक हादसा होने वाला था जो कि टल गया है ना, और सेम डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही फिर होने वाला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनक्लोजिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसी में 40 kg का बॉम्ब फिर था, पिछले बार भी इतना ही के लगभग था, और इस तरीके से हालांकि उसको कंट्रोल्ड बॉम्बिंग करा दिया गया, क्योंकि पहले से पता चल गया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर डेजर्ट लोकस्ट। हम लोग कल दो दिन तीन दिन से पढ़ रहे हैं कि लोकस्ट तीन तरह का होता है, एक होता है डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो पाया जाता है डेजर्ट लोकस्ट होता है, उसके बाद माइग्रेटरी लोकस्ट और रिट लोकस्ट, तीन तरह के लोकस्ट होते हैं। तो डेजर्ट लोकस्ट आखिर है क्या, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो ग्रासहॉपर फैमिली के हैं, शॉर्ट हॉर्न होता है इनका, छोटा सींग होता है, शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर इनको बोला जाता है। ये कहाँ पर रहते हैं और कहाँ पर ब्रीड करते हैं, तो सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन में, तो जहाँ कम पानी और फिर डेजर्ट वाले रीजन में ब्रीड करते हैं। अपना जो एग ले करते हैं, मतलब ये अंडा जो अपना देते हैं, वो बेयर ग्राउंड पर देते हैं, ठीक है। और बेयर ग्राउंड जो डेंस वेजिटेशन इलाके में नहीं पाया जाता है, इसलिए कहाँ पर ब्रीड करेंगे, तो राजस्थान में ब्रीड करेंगे, गंगा के प्लेन में ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सूखा ज़मीन चाहिए। लेकिन सूखा ज़मीन चाहिए अंडा देने के लिए, है ना, एग लेइंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जो खाना इनको खाना है, तो उसके लिए वापस से प्लेन वाले इलाके में जाएंगे, हरा भरा इलाके में जाएंगे। तो बट ग्रीन वेजिटेशन इज रिक्वायर्ड टू हॉपर डेवलपमेंट। हॉपर क्या होता है, तो हॉपर इज द स्टेज बिटवीन नाइम्स, डेट इज हाइज फ्रॉम द एग्स एंड विंग एडल्ट मंथ। तो एग से निकलने के बाद और जब तक विंग नहीं आता है, मतलब कि एग वाला जो स्टेज है और विंग वाला जो स्टेज है, उसके बीच में जो स्टेज आता है, उसको हॉपर बोला जाता है, ठीक है। तो हॉपर इज द स्टेज बिटवीन नाइम्स, डेट इज हाइज फ्रॉम एग्स एंड विंग एडल्ट मंथ, ठीक है। इस तरह का कवर जो है डेजर्ट इलाके में नहीं मिलता है, इसलिए डेजर्ट जो है प्लेन इलाके में जाते हैं। इंडिविजुअल या फिर छोटा आइसोलेटेड ग्रुप हो लोकस्ट का, तो वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, मतलब एक लोकस्ट जो है कोई खास हानि नहीं करता है, या फिर कुछ का ग्रुप हो। लेकिन ये पॉपुलेशन जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्वार्म जब बन जाता है, स्वार्म में लगभग 4 से 8 करोड़, ठीक है, 4 से 8 करोड़ एडल्ट ग्रासहॉपर होते हैं, एडल्ट लोकस्ट होते हैं, जो एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल ब्रीडिंग हैपन ओनली वेन कंडीशन देम फेवरेबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन। गुड रेन्स कैन नॉट समटाइम जनरेट जस्ट एनफ ग्रीन वेजिटेशन डेट इज कंडक्टिव टू एलेक्स एज वेल एज हॉपर डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास आता है जो डेजर्ट लोकस्ट है, आता कहाँ से है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन से आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सीड याद रखिएगा, सोमालिया, इथोपिया, इटेरिया और डिजुबाती, ये 4 देश से आते हैं। उसके बाद फिर ईरान, ओमान होते हुए, क्योंकि उधर काफ़ी डेजर्ट वाला इलाका है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान होते हुए खैबर पख्तूनवा से हमारे यहाँ फिर आते हैं। हालांकि अक्टूबर के मंथ में आते थे, लेकिन इस बार पहले आ गए हैं, क्यों,
क्योंकि साइक्लोन वहाँ पे एक आया था, साइक्लोन के कारण काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है ना, और सेमी एरिड रीजन का डेवलपमेंट हुआ डेजर्ट में, जिसके कारण से वहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन हुआ। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जोधपुर में इसका सिचुएटेड है, उसके द्वारा इस तरह का वार्निंग। अब नेक्स्ट है कि व्हेन जुलाई अक्टूबर इज द नॉर्मल टाइम, हाउ डिड दे अराइव सो अर्ली। तो जब जुलाई अक्टूबर मतलब कि इसका नॉर्मल टाइम था लोकस्ट का आने का, तो पहले क्यों आ गया, तो हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अनयूजुअल साइक्लोनिक स्टॉर्म 2018 अरेबियन सी में 2018 में जो साइक्लोन आया था मेकुनू और लुबान नाम के, जो मान और यमन को जो है स्ट्रक किया था, इसके कारण से जो वहाँ का मतलब वहाँ पे लोकस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड का फेवरेबल क्लाइमेट मिला और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई डिड द फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट, ईस्टवर्ड मूवमेंट क्यों हुआ। तो जैसे कि बताएं कि नाइन्थ जो पोजीशन होता है, उसके बाद जो विंग जब आता है उसके बीच का पोजीशन को हम लोग हॉपर बोलते हैं, और उसको डेवलप करने के लिए ग्रीनरी चाहिए, ठीक है, फ्रेश फूड चाहिए। दे कंज्यूम रफली देयर ओन वेट इन फ्रेश फूड, जितना उसका वजन है उतना वो फ्रेश फूड खा लेता है डेली, ठीक है। बट राइट नाउ राजस्थान डू नॉट ऑफर एनफ टू सेटिस्फाई देयर हंगर, तो राजस्थान में तो आ गया लेकिन राजस्थान में अभी कोई फसल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फसल रबी एक्चुअली कट चुका है, तो फसल के खोज में कहाँ जाएगा, देश के अंदर वाले हिस्से में आएगा, इसलिए फर्दर ईस्टवर्ड मूव कर रहा है ना, हमारे देख राजस्थान से फिर ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पहुँच चुका है, हो सकता है बिहार झारखंड होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट तरफ जाए, फिर उसके बाद फिर बांग्लादेश भी चला जाए, है ना, इस तरीके से। तो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो क्यों मूव करने का रीज़न यही, क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा और खाना के खोज में ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि हाउ कैन द पेस्ट कैन बी कंट्रोल सो व्हाट डैमेज दे काउज, तो कितना डैमेज वो करता है। तो अभी तक तो रबी क्रॉप नहीं है क्योंकि पहले से कट चुका है, तो अभी तक तो ज़्यादा डैमेज होगा नहीं, लेकिन खरीफ का सोइंग सीजन आ चुका है, खरीफ को बोने का सीजन आने वाला है, तो उनको जो बीज डाला जाएगा या फिर उनका जो नया पत्ता निकलेगा उस पर वो नुकसान कर सकता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, द डेंजर इज व्हेन दे स्टार्ट ब्रीडिंग, अ सिंगल ग्रेगेरियस फीमेल लोकस्ट कैन ले 60-80 एग्स थ्री टाइम ड्यूरिंग हिज एफ्रे साइकिल, 90 दिन एक लोकस्ट जीता है उसी दिन में जो है 60-80 अंडा जो है तीन बार, मतलब कि लगभग 200 अंडा के आसपास वो देता है, ठीक है, एक लोकस्ट जो है, जिसके कारण से खरीफ क्रॉप को काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, पेस्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पे ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे मैप के सहारे बताया कि ये वाला जो रीजन है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, ये जो आपको सिंह जैसा दिख रहा है ना, ये वाला पोर्सन ऐसे सिंह जैसा, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ये जो देश है यहाँ पे सिंह वाला, ठीक है, ये सोमालिया है, यहाँ पे एक डिजुबाती, इथोपिया, इरिटेरिया है, चार कंट्री यहाँ पे जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। यहाँ से जो है यमन ओमान होते हुए फिर आया ईरान में, ईरान के बाद इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में पहुँचा है, तो ये है लोकस्ट का चलने का रास्ता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वाइंट फ्लाइट बाई इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द ईयर्स, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है मिल करके कई साल से लोकस्ट को भगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 93 का एक यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया गया है। उस समय जो लोकस्ट वार्निंग ऑफिसर थे अनिल शर्मा, उनसे पूछा गया एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा, क्या कि हमारे यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पे घेरावा किया हुआ है, फेंसिंग किया हुआ है, तब लोकस्ट कैसे आ जाता है पाकिस्तान से। तो उनका रिप्लाई था कि लोकस्ट इज एन इंसेक्ट एंड नो नोज बैरियर, मतलब लोकस्ट एक इंसेक्ट है और ये कोई बैरियर नहीं जानता है ना, पंछी हवा नदियाँ के झोंके इस तरह के था ना, ये कोई गाना उस तरीके से। तो एज अनदर लोकस्ट स्वार्म कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, द स्पॉटलाइट इज अगेन ऑन द इंडिया पाकिस्तान डायनेमिक दैट हैज कम इन टू प्ले। तो ऐसा बताया कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह लोकस्ट का जब वार्निंग मतलब किस तरह का अटैक होता है, तो दोनों जो है अपना सारा लड़ाई झगड़ा भूल करके मिलजुल के काम करते हैं, जो होना भी चाहिए। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेज इट हैज रीच आउट टू पाकिस्तान फॉर कोऑपरेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन कर रहा है अभी भी। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आउटब्रेक के बारे में पढ़ लेते हैं, कब से अटैक इस तरह से होने लगा है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे तो अटैक के बारे में महाभारत में भी बताया गया है कि जिस दिन अर्जुन और कर्ण का बैटल चल रहा था उस दिन भी लोकस्ट का अटैक हुआ था, लेकिन वो बस महाभारत की बातें थी। मॉडर्न डे में भी देखा जाए तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो है पहले लोकस्ट का अटैक हुआ था, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था, जैसे अभी पिछले 2-3 साल से लगातार न्यूज़ में है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2-3 साल लगातार न्यूज़ में रहा है लोकस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑफिसर पब्लिश्ड बाय यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देर वॉज सीरियस इन्वेजन ऑफ लोकस्ट इन वेरी फ्यूवियस ड्यूरिंग 1900 के समय भी इस तरीके का होता था। 1926 से 1931 तक 5 साल लगातार इन्वेजन हुआ था। ठीक है, उसके पहले इतना जल्दी नहीं होता, जैसे आप देख सकते हैं 1812 से 1889 तक, ठीक है, 8 ही बार अटैक हुआ था, 8 अटैक। ठीक है, तो देख सकते हैं लगभग 77 साल में 8 बार अटैक हुआ था। 9वां अटैक 1896 हुआ था, मतलब 7 साल के बाद, और फिर 1926 से 1931 तक 5 साल लगातार अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद से फिर इस तरह का अटैक नहीं हो रहा था। ठीक है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1939 में किया गया था, और उसका 1939 में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर था और कराची में उसका सब स्टेशन बनाया गया था, मतलब एक ब्रांच ऑफिस बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद फिर लोकस्ट वार्निंग वहाँ वाला कराची में चला गया, मतलब कराची का ऑफिस वहाँ के लिए काम करने लगा और न्यू दिल्ली वाला शिफ्ट होकर राजस्थान में चला गया। 1941 में कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रिंसली स्टेट का, क्योंकि राजस्थान अंग्रेज के गुलाम में नहीं आया था अधिकांश, उसका अधिकांश सेक्टर
सब वहाँ पे महाराजा लोग का रूल होता था। प्रिंसली स्टेट में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था डेजर्ट एरिया का, प्रिंसली स्टेट जो भी थे, ठीक है। और उसको यहाँ पे देख सकते 1946 में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाट पुट इन प्लेस, बिगनिंग ऑफ कोऑपरेशन। तो इंडिया और पाकिस्तान में कैसे कोऑपरेशन हुआ, तो इंडिया ईरान टू सफर्ड लोकस्ट अटैक इन 1876, 1926 से 32। तो 1926 से 32 तक और 1876 के आसपास जो अटैक हुआ, ईरान भी उसे सफ़र करता था, मैंने ईरान को भी काफ़ी नुकसान होता था। हमारे यहाँ जो भी आया ईरान को नुकसान पहुँचाते हुए आया है ना, मतलब उधर से ही आता है, याद रखिएगा। अपरेंटली द फर्स्ट कोलेबरेशन बिटवीन कंट्रीज इन द रीजन अकर्ड इन 1942 व्हेन अ डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया हेल्प विद द लोकस्ट कंट्रोल इन साउथ वेस्ट पर्सिया। तो इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन गया था ईरान में लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए 1942 में, ठीक है, पर्सिया में, मतलब ईरान वाले रीजन में। ओवर द नेक्स्ट टू ईयर इंडिया हेल्प वाज प्रोवाइडेड टू ओमान एंड पर्सिया, 2 साल के बाद ओमान को भी इस तरह से गया, और इस तरीके से कोऑपरेशन चालू हुआ, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तेहरान में, ईरान के कैपिटल तेहरान में, दिस वाज फॉलोड अ फर्स्ट कॉन्फ्रेंस विद इन द रीजन ऑन डेजर्ट लोकस्ट विच वॉज हेल्ड इन तेहरान 1945, जिसमें ईरान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट सारा देश आया था। उसका सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1950 में, वो भी तेहरान में ही, इसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन क्योंकि 47 में पाकिस्तान बन गया था, है ना। इन 1950 इंडिया एंड ईरान कोऑपरेटेड एंड पाकिस्तान प्रोवाइडेड 2 एयरक्राफ्ट फॉर लोकस्ट सर्वे इन सऊदी अरेबिया। फॉलोइंग अनदर अटैक 1958-61 अ डिसीजन वाज टेकन टू ग्रुप ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर एंड द एफएओ डेजर्ट लोकस्ट कमीशन वाज फॉर्मड इन 1964। तो डेजर्ट लोकस्ट कमीशन एफएओ के द्वारा, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूएन का एक संगठन है, 1964 में इस तरीके से सेटअप किया गया। इस तरीके से एनुअल सेशन फिर होने लगा, एनुअल सेशन होने लगा, तो कई बार एनुअल सेशन मतलब कि लोकस्ट को लेकर के, टीडी दल को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एनुअल सेशन होने लगा, मतलब साल में एक बार मीटिंग होने लगा, ठीक है। हालांकि ये मीटिंग 65 में 99 में 71 में भी स्किप किया गया, ठीक है, सॉरी 65 में 99 में स्किप किया, 71 में मीटिंग हुआ था, 71 में भी इंडिया और पाकिस्तान में वार हुआ था, उस समय भी हुआ था। हालांकि 65 और 99 वाले लड़ाई के समय इंडिया और पाकिस्तान का ये मीटिंग नहीं हुआ था। इवन इन द लास्ट 6 ईयर में द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज डिटेरियरेटेड, इट इज हेल्ड इन 2014-16 और 18। तो पिछले 6 साल में भी देखा जाए जब इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता उतना ठीक नहीं है, फिर इधर 14-16-18 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लोकस्ट को लेकर के मीटिंग हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने लड़ाई झगड़ा और टेंशन के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के, पिछले साल भी जब लोकस्ट का अटैक हुआ था हरियाणा वाले रीजन में, तो पाकिस्तान के द्वारा वार्निंग कर दिया गया था इंडिया को कि हमारे यहाँ टिड्डी दल आ चुका है, आप लोग अपना कंट्रोल कर लीजिए। इन 1977 टू कंट्रीज बिगन टू मीट ऑन द बॉर्डर फ्रॉम 1991 to 2003 अ स्पेशल बॉर्डर सर्वे टूक प्लेस ड्यूरिंग द समर अंडरटेकन बाय लोकस्ट कंट्रोल ऑफिसर। तो 1991 से 2003 तक एक स्पेशल सर्वे होता था, लोकस्ट ऑफिसर, दोनों जगह के लोकस्ट ऑफिसर मिलते थे और सर्वे करते थे बॉर्डर पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह का ये भाईचारा लाता है, जो मतलब कि ये जो टिड्डी है एक तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि फाइनेंस मिनिस्टर स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन फर्स्ट FSDC मीट आफ्टर COVID-19 आउटब्रेक। तो COVID-19 के आउटब्रेक के बाद पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर का FSDC का मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो FSDC क्या होता है, हम लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लें। तो FSDC एक्चुअली है क्या, तो FSDC का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि नाम से पता चलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि फाइनेंस को स्थिर रखना है किसी पेंडेमिक के समय, किसी भी आपदा के समय, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको स्थिर रखना है, उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एक काउंसिल है, काउंसिल का मतलब क्या होता है, वहाँ पे इलेक्टेड बॉडी होता है, मतलब कि वहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ पे जो चुने हुए लोग होते हैं या फिर जो अपॉइंट किए लोग होते हैं, इस तरह का मीटिंग वहाँ पे होता है। तो फाइनेंशियल काउंसिल है FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एक तरह का रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी मतलब कि रेगुलेट करता है, कानून बनाता है, रेगुलेशन करता है, मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर को। और एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला काम करता है यहाँ पे, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। इसके चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। 2018 इसका स्थापना कैसे हुआ था, तो 2008 में रघुराम कमीशन सेटअप किया गया था, रघुराम राजन कमीशन सेटअप किया गया था, उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर नवंबर 2017 में इसको सेटअप किया गया था FSDC को, ठीक है। तो FSDC को जो है कब सेटअप किया गया था, नवंबर 2017 में, किसके रिकमेंडेशन पे, रघुराम राजन कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जो कि 2008 में ही रिकमेंडेशन मिला था। हालांकि 2010 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा ऐसा सेटअप करने का बात चालू किया गया था, लेकिन सेटअप हो नहीं पाया था, मतलब उस समय प्रयास किया गया था 2010 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन 2017 में फिर नवंबर में इसको सेटअप किया गया, ठीक है। ये था FSDC के बारे में। इसी के साथ आज का न्यूज डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।